पढ़ाई अच्छी चल रही है ना गाइज़? आई होप अच्छी से आप लोग पढ़ रहे हैं और बाकी सभी चीज़ें भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइज़ 43 हमारा प्रैक्टिस सेट है और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए है, और किसी भी स्टेट का यूपी टीजीटी पीजीटी अगर आप दे रहे हैं तो इक्वली हेल्पफुल वीडियो रहेगी ये। और बाकी भी अगर DSS+ भी हो गया आपका और EMRS में भी जो टॉपिक्स हैं और बाकी जो आपका लेक्चरशिप के एग्ज़ाम होते हैं, GIC है, LD-GRID है, सभी में यूज़फुल रहेगा वीडियो, ऐसा नहीं है तो आप देखेंगे तो यूज़फुल ही रहेगा। तो गाइज़ इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर किसी भी लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, और बाकी भी लाइक शेयर तो आपको करना ही है ना? तो गाइज़ बिकॉज मैं भी मेहनत कर तो थोड़ा सा फ़र्ज़ आपका बनता है कि आप एक लाइक और शेयर मुझे दे पाएँ। और गाइस मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि अभी बहुत टाइम है, अभी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ढीले हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, बट जो पढ़ नहीं रहे हैं ढीले हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि समय हमेशा कम ही होता है। बिकॉज आप क्या सोचते हो, आप सोचते हो कि अभी तो एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है, अभी से क्या पढ़े, पढ़ लेंगे, है ना? लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आती है ना तो समय नहीं होता आपके पास फिर पढ़ने का, तब जो पढ़ रखा होता है ना वो भी निकल जाता है माइंड से, और आप बस ये सोच रहे होते हैं कि क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्यों पढ़ें, है ना? तो बेहतर यही होगा कि अभी से पढ़ लें ताकि उस टाइम पे केवल आपको शार्प कर सके अपनी नॉलेज को, अपनी प्रिपरेशन को, ठीक है? तो बस यही कहना था, चलिए शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द रेफरेंसेज ऑफ हिंक्सेज, सिबिला एंड इजलेज डाउंस, तो ये कहाँ पर अपीयर होते हैं, ये तीनों कैरेक्टर कहाँ पर अपीयर होते हैं गाइस? तो ये तीनों कैरेक्टर जो है क्रॉसिंग द बार में है, जो कि टेनिशन की है, डॉवरबिस मैथ्यू अर्नॉल्ड की है, यूलिसिस टेनिशन की, और थायरसिस मैथ्यू अर्नॉल्ड की है। तो आपको बताना है किस में से। तो सॉरी माइक गिर गया था गाइस। हाँ तो देखिए अगर यहाँ पे देखें तो किस में से है गाइस, ये आपका डी ऑप्शन है, थायरसिस। थायरसिस जो है इन्होंने मैथ्यू अर्नॉल्ड ने लिखी थी, कब लिखी थी गाइस, ये आपका था 1865 में लिखी थी, और 1861 में डेथ हो गई थी। किन के लिए लिखी थी ये भी आपको पता होगा, आर्थर ह्यूज क्लफ, नाम बता देती हूँ, लिखूँगी तो ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो आर्थर ह्यूज क्लफ ने जो 42 की एज में वो उनकी डेथ हो गई थी 1861 में, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि किस एज में उनकी डेथ हो गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 1865 में जो है उन्होंने ये लिखी थी एलिजी, उनको एलिजी, आपको यू नो ऑल दैट एलिजी इज अ सैड सॉन्ग, है ना? सैड सॉन्ग होता है जो किसी की डेथ पे लिखा जाता है। चलिए, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ लाइफ ऑफ मॉरल मैन ऑफ द अर्थ, नथिंग एंड देन दे डाई पेरिस एंड नो वन। ये लाइन जो है कहाँ पर आई हुई है, क्रॉसिंग द बार में, और टू द नाइटिंगेल किड्स की है, अर्नॉल्ड की है, मैर्डिगोल्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो यहाँ जो है गाइस ये मैथ्यू अर्नॉल्ड की ही पोयम से है, और कौन सी पोयम से है, ये रग्बी चैपल। और रग्बी चैपल बताइए किसके लिए लिखी थी इन्होंने, रग्बी चैपल भी इन्होंने अपने जो है फादर के लिए लिखी थी, थॉमस अर्नॉल्ड के लिए, राइट, जो कि प्रोफेसर थे रग्बी स्कूल में। तो यहाँ हम लोग इसकी बात कर रहे हैं रग्बी चैपल की, तो मैथ्यू अर्नॉल्ड का टाइम स्पेन बता सकते हैं आप मुझे गाइस? देखिए 1822 से लेकर के 1888, बहुत सीधा सा है इनका लाइफ स्पेन, देखिए 22, 88 और दोनों के आगे 18, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। थायरसिस वॉज रिटन टू कॉमेमोरेट, थायरसिस जो है किसको कॉमेमोरेट करने के लिए लिखी गई थी, तो अभी मैंने इसके बारे में वैसे आपको बता दिया है, तो आर्थर ह्यूज क्लब इसका आंसर होगा, जो कि 1861 में डेथ हो गई थी, कितनी 1861 में डेथ हो गई थी, कितनी एज में, 42 की एज में। मैथ्यू अर्नॉल्ड इज नॉन एज, मैथ्यू अर्नॉल्ड किस लिए जाने जाते हैं, किस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट थे, पोएट एंड क्रिटिक थे, पोएट एंड नॉवलिस्ट थे, या फिर पोएट एंड पेंटर थे? तो ये जो थे गाइज क्रिटिक और पोएट थे, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पोएट एंड क्रिटिक। ओके नेक्स्ट, इन टेनिसन्स पोएम यूलिसिस, हाउ डज यूलिसिस फील अबाउट हिज होमलैंड, जो यूलिसिस पोएम है अल्फ्रेड की बहुत फेमस है आपको पता है, तो उसमें आपको बताना है कि इसमें जो ये यूलिसिस क्या फील करते हैं अपने होमलैंड के बारे में। तो इसमें गाइज यूलिसिस जो है सी ऑप्शन होगा यहाँ पर, ही इज थोरोली डिसकंटेंटेड एंड ईयर्स टू ट्रेवल एंड एक्सप्लोर अगेन, है ना? वो क्या चाहते हैं, थोरोली डिसकंटेंटेड एंड ईयर, जो ईयर्स उन्होंने गवा दिए हैं अपने आइडल रहकर के, उसको वो जो है दोबारा से ट्रेवल करना कमाना चाहते हैं, ट्रेवल करके और एक्सप्लोर करके अपनी नॉलेज को, ठीक है? तो ये जो है सी ऑप्शन जो हमारा आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड टेनिसन बिलोंग्स टू, क्या वो विक्टोरियन एज के थे, रोमांटिक एज के थे, क्लासिकल या फिर मॉडर्न, किस एज से बिलोंग करते थे, तो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे हमारे टेनिसन साहब।
और मैथ्यू अर्नोल्ड भी जो हमारे विक्टोरियन एज से ही बिलोंग करते थे। बट ऑफ फार द टच ऑफ अ नॉवलिस्ट, टच ऑफ अ वैनिस्ड हैंड एंड सेकेंड ऑफ द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। ये लाइन आप देख लीजिए, इसमें आपको बताना है कि जो वैनिस्ड हैंड है और वॉयस है, ये किसके किसको रेफर किया गया है? आर्थर हेनरी हेलन के लिए है, जॉर्ज किंग के लिए है, पुअर विलेजर्स के लिए, या फिर ये जो है इन मेमोरियम नहीं होना चाहिए वैसे यहाँ पे ऑप्शन, जॉन किट्स, चलिए जॉन किट्स रखते हैं, पी बी शेली रखते हैं ये, क्योंकि यहाँ पे भी एक मेंबर का नाम होना चाहिए ना, चलिए जॉन किट्स रख देते हैं, मुझे एकदम से जॉन किट्स का ही नाम याद आ गया, तो जॉन किट्स ही रख देते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है कि कौन सा इसका आंसर है। तो गाइस यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आर्थर हेनरी हेलम के लिए ये लाइन रेफर की गई है। कौन सी? वैनिस्ड हैंड, और जो वॉयस वर्ड है वो किसके लिए बोला गया है यहाँ पर? आर्थर हेनरी हेलम के लिए, ठीक है। इन मेमोरियम लिखी थी इन्होंने, इनकी याद में, आर्थर हेनरी हेलम की याद में इन मेमोरियम लिखी थी। कब लिखी थी? 1835 में, जबकि पब्लिश हुई थी 1842 में। कब लिखी थी इन्होंने? 1835 में लिखी थी, लेकिन 1842 में जा करके ये पब्लिश हुई थी इनकी, क्या? इन मेमोरियम, याद रखना आप लोग, ठीक है। इन मेमोरियम कितने टाइम में? 17 साल बाद, है ना, 17 ईयर्स आफ्टर। और कितने थे टोटल जो थे? हाँ, टोटल इसमें 131 सेक्शन थे इन मेमोरियम में। और सेकंड चीज़ ये भी है कि 1850, चलिए आगे कभी आएगा तो मैं पूरी नॉलेज इसके लिए बारे में दे दूंगी, अभी चलते हैं इसमें। और लाइफ स्पैन भी बता दीजिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, 1809 से लेकर के, 1809 से लेकर के गाइस 1892, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सी पास्टोरल एलिजी नहीं है? एडोनिस पास्टोरल एलिजी है, थायरसिस, एडोनिस किसके लिए लिखी है? पी बी शेली ने लिखी है, जॉन किट्स के लिए, थायरसिस लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने आर्थर ह्यूज क्लब के लिए, लिसिडस लिखी है जॉन मिल्टन ने आर्थर किंग के लिए, ठीक, किंग आर्थर के लिए, है ना। तो यहाँ पर इन मेमोरियम जो है वो एलिजी नहीं है, ठीक है, पास्टोरल एलिजी नहीं है। चलिए तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इन मेमोरियम के बारे में बता देती हूँ आपको। तो यहाँ जो है 42 नहीं गाइज, मैंने पिछले में 42 बताया था ना आपको, हाँ ये तो आई थिंक 1800, हाँ गाइज सॉरी गाइज, वहाँ पे 1842 बता दिया है मैंने, लेकिन ये 1850 में पब्लिश हुई थी, सीधा सबको पता है। आप लोग मुझे बोलते कि मैम ने क्या बता दिया, ठीक है, 1850 में ये पब्लिश हुई थी, और जबकि ये जो है लिखी कब गई थी ये, क्योंकि 17 साल बाद पब्लिश हुई थी ये, तो 1833 में लिखी गई थी ये, ठीक है, 1833 में ये लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1850 में जा करके, राइट। और इन्होंने किसके लिए लिखी? आर्थर ह्यूज क्लब के लिए, और 131 सेक्शन थे इसके अंदर, ये भी पूछ लिया जाता है। तो टेस ऑफ द डबल विल्स इनिशियली अपीयर इन अ सीरियलाइज्ड वर्जन इन, टेस ऑफ द डी अबव विल्स किसका नॉवल है? थॉमस हार्डी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवल है। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये सीरियली जो इसका वर्जन था वो कौन सी मैगजीन में अपीयर हुआ था? द ग्राफिक, द TLS, द मैगजीन, द थ्री डेकर, किस में ये पब्लिश हुआ? तो इसका जो सीरियली था गाइज ये हुआ था आपका द ग्राफिक में, यानी कि ऑप्शन ए द ग्राफिक में। कब आया था टेस्ट ऑफ द डबल व्हील्स? ये आया था आपका 1891 में, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी थी इसके बारे में, हाँ क्या बताना चाहती थी मैं, चलिए गाइज मुझे अभी याद नहीं आ रहा मैं क्या बताना चाहती थी, चलिए नेक्स्ट में बताती हूँ आपको। विच इज़ नॉट अ शॉर्ट स्टोरी बाय हार्डी, इनमें से कौन सी हार्डी के द्वारा शॉर्ट स्टोरी नहीं है? एंटर अ ड्रैगन है, द डायनेस्ट्स, द लेडी पेनेलोप, या फिर आ मेयर इंटरल्यूड। तो गाइज बी ऑप्शन को छोड़ करके सारे के सारे शॉर्ट स्टोरी हैं, जबकि जो द डायनेस्ट है ये लिरिकल ड्रामा है, या वर्स ट्रेजेडी, या फिर लिरिकल ड्रामा, वर्स ड्रामा है ये, वर्स ड्रामा कह लीजिए, वर्स ट्रेजेडी कह लीजिए, या फिर लिरिकल ड्रामा कह लीजिए, लिरिकल ड्रामा अच्छा रहेगा ज़्यादा कहना, क्योंकि वर्स में था ये। और क्या कहेंगे हम, एकमात्र था ये इनका, ठीक है ना गाइस, ये इनका एकमात्र ड्रामा था थॉमस हार्डी का। चलिए शू ब्राइड हेड अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी फिगर्स इन, शू ब्राइड हेड नाम का एक कैरेक्टर था बाय थॉमस हार्डी के द्वारा, तो वो फिगर किस में फिगर था? टेस्ट ऑफ द डबल्स, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, या फिर जोड़दा ऑब्सकर। तो गाइज ये था हमारा जोड़दा ऑब्सकर में, राइट।
जूड द ऑब्सकर में था ये। तो अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ द डबल्स, तो ये आया था कब, 1891 में आया था, और जूड द ऑब्सकर 1895 में आया था, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886 में आया था, और ये द रिटर्न ऑफ द नेटिव गाइज मुझे याद नहीं आ रहा है कब आया था, अगर आपको किसी को याद है तो प्लीज़ बता सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉवल डज हार्डी से लव इज़ अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस। इन विच नॉवल डज हार्डी, किस नॉवल में कहते हैं हार्डी कि लव इज़ अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस। आप यारो ब्लू आइज में, द वुडलैंडर्स में, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, या फिर फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। तो यहाँ बात हो रही है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड की, ठीक है गाइज, यहाँ बात हो रही है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। इसी में इन्होंने कहा है ये लाइन, ठीक है, पॉसिबल स्ट्रेंथ, लव इज़ अ पॉसिबल स्ट्रेंथ इन एन एक्चुअल वीकनेस, राइट। तो ये जो था, जो इनका लाइफ स्पैन पता है आपको थॉमस हार्डी का, ये पिछले एग्जाम में भी आया था, 1840 से लेकर के 1928। ये गाइस बार बार रिपीट इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड जो था ये कब आया था, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड आया था आपका, ये मैं इरेज कर दूँ पहले, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड आया था 1874 में, राइट। अगर आप पेयर ऑफ ब्लू आइज देखें तो 1873 में, ये नहीं, हाँ आप पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में आया था गाइज। और कौन सा मैं बता सकती हूँ आपको, हाँ वुडलैंडर जो था आपका 1887 में आया था, 1887 में, 86 में मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, और वुडलैंडर आया था 1887 में, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू ऑफ द ईगो अकॉर्डिंग टू फ्रायड। आपको पता है कि ईगोइज्म, ईगो का जो है इसका दिया है फ्रायड ने, ठीक है, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है फ्रायड ने, क्या बोलते हैं इसको, ओडिपस कॉम्प्लेक्स करके। तो वहाँ पर इट जो ईगो को है क्या बोला है उन्होंने, इट एग्जिट्स फ्रॉम प्रायर टू द इट, इट फॉलोज द प्लेजर प्रिंसिपल्स, इट लैंड्स इट्स लिबिनल एनर्जी टू सुपर ईगो, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रियलिटी, लॉजिक और द एवरीडे वर्ल्ड। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब कौन सी लाइन यहाँ पर राइट रहेगी, इसकी हम लोग बात करें तो ये जो है आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, है ना, इट लैंड्स इट्स लिबिनल एनर्जी टू सुपर ईगो, सी ऑप्शन पे जाएंगे। इन द इमेजिनरी ऑर्डर द सब्जेक्ट्स ऑन इमेज परमानेंटली कैचेज एंड कैप्टिवेट्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जो खुद की इमेज होती है वो परमानेंटली कैच हो जाती है और कैप्टिवेट हो जाती है वस्तु के अंदर, और वस्तु जो है उसमें मतलब कैप्टिवेट हो जाती है जो उसकी इमेज होती है। इन द लेकेनियन मॉडल दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू विच स्टेज। तो ये जो स्टेटमेंट आती है ये कौन सी स्टेज पर आती है, सिम्बोलॉजी, मिरर, या फिर कैस्ट्रेशन, एल्टरिटी, तो कौन सी में आती है ये, तो ये जो होगा यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी के बी, मिरर, है ना, मिरर जो चीज़ है वो वैसी की वैसी कहाँ पे कैप्टिवेट, मिरर स्टेज में कैप्टिवेट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर्ड बाई फ्रायड। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रायड का नहीं है, ओडिपस तो है गाइस, और आपका मिथ्स, अनकॉन्शियस स्लिप्स, इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ जो है सी ऑप्शन, यानी कि मिथ्स नहीं है, स्लिप्स भी है इनका, ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी है और अनकॉन्शियस भी है, ठीक है, स्लिप मिथ्स नहीं है। एंड अलादीन्स केव, अब आपको बताना है कि इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, एंड अलादीन्स केव। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए अलादीन्स की केव में क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी ना, अलादीन का चिराग जो था जब उसको कहते थे ना कि वो जिस गुफा में रहा करता था, तो उसको जब भी चिराग रगड़ के बुलाते थे तो वो क्या कहता था, भाई जो कुछ चाहिए वो दे सकता था दुनिया में से। तो क्या है यहाँ पर हो जाएगा, जो जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हों, अ प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स एंड अलादीन केव, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। तो गाइज इडियम्स में यही प्रॉब्लम होती है कि इनमें फ्रेजेस में तो फिर भी थोड़ा मीनिंग पता चल जाता है हमें, लेकिन इडियम्स में कई बार हमको ना थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ता है, उससे चीज़ों को रिलेट करके देखना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रिलेट कर रही है, तो और मीनिंग कहाँ से हम इसको इसका निकाल सकते हैं। तो ये जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है, हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, तो इसका क्या मतलब है, ही हैज़ अ हेल्दी हार्ट होगा,
या फिर ही हैज़ लॉस्ट हिज हार्ट टू अ वुमन होगा, ही इज़ अ फेथफुल मैन होगा, या फिर हिज हार्ट इज़ इन द मिडल ऑफ हिज चेस्ट। ऐसा तो हो नहीं सकता, हार्ट मिडल में कहाँ से आ गया भाई, है ना। राइट प्लेस कहाँ से हो जाएगा अगर मिडल में है, बाई तरफ होता है, लेफ्ट में होता है ना। तो यहाँ जो इसका आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि फेथफुल मैन की बात हो रही है। अगर ये कहा जाना है कि हिज हार्ट इन द राइट प्लेस, यानी कि अगर किसी आदमी का जो हार्ट है वो सही जगह पे है ना, इसका मतलब वो फेथफुल आदमी है ना। तो सी ऑप्शन पे जाएंगे। एंड एकिल्स हील, देखिए एकिल्स की स्टोरी होती थी कि एकिल्स को जो है एक वो नदी में जो उसकी मदर ने नहला दिया था, कि तो उससे क्या हुआ था कि वो उसको एक ऐसी पावर मिल गई थी कि वो कोई भी जो उसके पूरी बॉडी में कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको भेद नहीं पाता था, है ना। तो लेकिन एक जगह थी, क्योंकि उसने पैरों से पकड़ के डुबाया था, तो उसकी जो वो थी पैर के तलवे कहते हैं ना, तो वो हील्स एडियां वो जो थी वो उसकी डूबी नहीं थी। तो जो चीज़ डूबी नहीं थी ना वही कमज़ोर रह गई थी। तो इससे क्या निकलती है बात, जो कमज़ोर पार्ट होता है ना, तो आ पर्सन्स वल्नरेबल पॉइंट हो जाएगा, है ना। आ पर्सनल्स वल्नरेबल पॉइंट, यानी कि ऑप्शन सी पर हम लोग स्टैंड करेंगे, वीक पॉइंट कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्या है, टू गो टू द डॉग्स। अच्छा आप ही देखिए, अगर आप डॉग्स के पास जाएंगे, कुत्तों के पास जाएंगे तो क्या होगा भाई, तोड़ फोड़ देंगे ना आपको, चीर फाड़ करके इधर भेज देंगे। मारेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ चीर फाड़ कर देंगे आपको। तो क्या होगा उससे आपको ना रिउंड कर देंगे वो लोग, है ना। डाई तो नहीं करेंगे, सर्वाइव का कोई मतलब नहीं है, टू बी सरप्राइज का। अब कुत्तों में जाके सरप्राइज थोड़ी हो जाएंगे, अब रोने लग जाएंगे अगर कुत्ते झपट पड़े आपके ऊपर, तो वो रिउंड कर देंगे आपको। तो यहाँ जो सी ऑप्शन होगा, टू मीट वंस वाटरलू। तो गाइज वाटरलू, टू मीट वंस वाटरलू, तो वाटरलू जो ये वर्ड है ये गाइज जो है एक लास्ट डिफेट को दिखाता है, मतलब एक लास्ट डिफेट को बताता है। इसका मतलब है कि जो वाटरलू जो था गाइज, आफ्टर बींग डोजन ऑफ चैलेंजेस द चैम्पियन फाइनली मेट हिज वाटरलू, है ना। तो ऐसे ऑप्शन में आप इसका मतलब एग्जाम्पल ले सकते हैं, टू मीट वंस फाइनल डिफेट, अंतिम हार जो होती है व्यक्ति की, है ना। टू मीट वंस फाइनल डिफेट, अंतिम हार जो होती है उसे ही हम वाटरलू कहते हैं। क्योंकि नेपोलियन जो बोनापार्ट था, आपको याद है, तो उसका जो आखिरी बैटल था, जो उसका फाइनल, उसके जीवन का जो अंतिम हार जब उसकी हुई थी, तो वो बैटल ऑफ वाटरलू में हुई थी। तो ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा कि भाई मतलब वाटरलू, मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है कि टू मीट वंस फाइनल डिफेट, ठीक है। लेकिन ये कम लोगों को पता होगा कि ऐसा कहते क्यों हैं। तो गाइज जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो हर जगह जीत जाता था, लेकिन जो लास्ट में उसकी डिफेट हुई थी वो बैटल ऑफ वाटरलू में हुई थी, हर जगह जीत करके। तो इसीलिए इसको लास्ट डिफेट या फाइनल डिफेट कहते हैं हम लोग। तो गाइज आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, तो ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए चैनल को और मुझे भी, और गाइज़ जितनी हमारी बड़ी फैमिली होगी आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए गाइज़।